यही सोच रहे हो ना कि कब एहसास होगा उन्हें तुम्हारे प्यार का, उस विश्वास का जो तुम उन पर रखते हो, वो फिक्र उनकी जो तुम्हें बेहिसाब रहती है, वो सारी गलतियां उनकी जो तुम नज़रअंदाज करते हो, पर फिर भी उन्हें महसूस नहीं होती तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा रूठना। ऊपर से उनका जैसा मन होता है वैसा ट्रीट करते हैं तुम्हें। तो सुनो, वो इग्नोर कर रहे हैं या बात ब्रेकअप पर आ गई है, सबसे पहले तो ये सोचकर परेशान होना बंद करो कि उन्हें तुम्हारे प्यार का एहसास होगा भी या नहीं। उन्हें एहसास होगा और ज़रूर होगा, लेकिन तब जब पहले तुम्हें ये एहसास हो कि उनसे पहले तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है, लेकिन तुमने अपना सारा ध्यान उन्हीं पर लगाया हुआ है। बार बार उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना, कॉल मैसेजेस का वेट करना, इसीलिए उन्हें लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है लाइफ में करने को। तुम्हारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है माना, पर तुम भी खुद के लिए कितने मायने रखते हो ये कभी सोचा है? तुम हर बार अवेलेबल हो जाते हो जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, मगर क्या वो रहते हैं जिस वक्त तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है? नहीं ना, इसीलिए वो आपको और आपके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आप हर बार खुद से पहले उन्हें रखते हो, तभी वो ज़्यादा भाव खाते हैं। लेकिन हम इंसान बड़े ही ज़िद्दी होते हैं, हम उन्हीं के पीछे जाते हैं जो हमसे दूर जाना चाहते हैं, जबकि असल में वो शख्स और कुछ नहीं, आपको आईना दिखा रहे होते हैं कि हे लिसन, पहले तुम खुद की वैल्यू, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। पर आपको अपने आप से ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील करते हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं सोचेंगे जब तक तुम उनके बारे में सोचते रहोगे, क्योंकि तुम जितना कोशिश करोगे उन्हें समझाने की, उनका अटेंशन पाने की, वो उतना ही तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे। ऊपर से वो आपकी बातों से इरिटेट होना शुरू कर देंगे। देखो, रिश्ते में एक हद तक कोशिश करना सही है, मगर गलत तब है जब वो समझकर भी समझना नहीं चाहते आपको और आप फिर भी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा रुक जाना और स्पेस देना ही बेहतर है। देखो तो ज़रा कि आप अकेले इस रिश्ते में हो या वो भी शामिल है, और जहाँ आपकी कद्र नहीं वहाँ तो बिल्कुल वक्त ज़ाया मत करो। वैसे भी जो आपका है वो आप ही का रहेगा, और जो नहीं है उन्हें तो वैसे भी नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। दोनों तरफ से तुम ही सेफ हो, इसीलिए इनसिक्योर होना छोड़ दो और खुद को इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाले को भी पता चले कि तुम यूं ही नहीं मिल जाते किसी को भी, तुम कीमती हो। फिर तुम जिससे भी जुड़ते हो उनकी भी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को इतने हल्के में मत लिया करो, और ना ही कभी किसी को अपनी आदत बनाओ। जैसे उनके होने से पहले तुम अपनी ज़िंदगी में खुश थे ना, वैसे अब भी रहो। अपने लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करो। तुम भी वैसे ही खुद से प्यार करो जैसा वो खुद से करते हैं। हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये डर निकाल दो कि वो तुमसे दूर हो जाएंगे या प्यार नहीं रहेगा। प्यार कम नहीं बल्कि और बढ़ता है अगर वो सच्चा है तो। बस तुम्हें जो उनकी आदत लग गई है ना, वो आदत छोड़ी भी जा सकती है, जो कमज़ोरी बन गई है तुम्हारी। बिकॉज यू डिज़र्व टू बी हैप्पी एंड बीइंग लव्ड। राइट पीपल विल ऑलवेज स्टे नो मैटर वॉट, एंड रॉन्ग पीपल विल लीव नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई।